हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू जनवाने क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की मैथ्स की सेकंड बुक जो कि है लीनियर अलजेब्रा, यानी कि फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। आपको पता है फिफ्थ सेमेस्टर में आपके टू पेपर्स होंगे। फर्स्ट पेपर में दो बुक्स आएंगी जो कि फर्स्ट है ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी और सेकंड है लीनियर अलजेब्रा। तो उसका चैप्टर फर्स्ट चल रहा था वेक्टर स्पेसेस, जिसकी एक्सरसाइज फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि इसमें आपके टू लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज जो आपका लेक्चर होगा ये एक्सरसाइज सेकंड से पहले जो भी प्रॉपर्टीज है थ्योरम से पहले हम उनको कवर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज आएंगे। एक बात और पूछे कि आप सभी को पता है जितना यहाँ पे करा दिया जाता है, मैं आपसे बोलती हूँ अगर आप एक्स्ट्रा ना करें तो एटलीस्ट इतना कर लें जितना आपको क्लास में कराया जा रहा है। जितना भी आपको करा रही हूँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे बीच में एक बात उठती है, पहले सुन लेना उसके बाद में आगे देखना, कभी आप इन बातों को छोड़ के डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ। तो उससे पहले एक बात समझ लेना, क्योंकि फिर आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं। आप में से कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसके ऑब्जेक्टिव पेपर होने, और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव पेपर होने हैं। अब ये नहीं पता चलता किसकी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव होने और कहाँ सब्जेक्टिव, तो दोनों को ही लेकर के यहाँ पे आपको सॉल्व कराया जा रहा है। जैसे कि आपके सामने जो थ्योरम लिखी हुई है इसके 6 पार्ट्स है, ठीक है। तो इसका जो आपका स्टेटमेंट है यानी कि 6 के 6 पार्ट आपको जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं उनको एज इट इज इनके स्टेटमेंट लर्न रखने हैं कि किसका किससे प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, और जिनके सब्जेक्टिव पेपर होने हैं उनको इसको प्रूफ करना आना चाहिए, ठीक है। तो जिसके भी ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं वो एक बार इसको एज इट इज देख लीजिएगा, और जिसके सब्जेक्टिव होने हैं वो उसका प्रूफ भी देख लेना। पहले डायरेक्टली बता रही हूँ, उसके बाद प्रूफ कराऊंगी। देखिएगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेसेस, यानी कि वेक्टर स्पेसेस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट थ्योरम है कि लेट v ऑफ f बी अ वेक्टर स्पेस एंड 0 बी द जीरो वेक्टर ऑफ v। हमने मान लिया v ऑफ f क्या है, वेक्टर स्पेस है, और इसमें 0 क्या है, 0 हमारे पास में 0 वेक्टर है किसका, v का। सो देन उस कंडीशन में 6 प्रॉपर्टीज जो है वो एप्लीकेबल होंगी। कौन कौन सी? फर्स्ट है कि अगर हम एक का डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर जीरो के साथ में, जहां पर सभी के लिए जो ए है ये तो किसका एलिमेंट होगा, फील्ड का, यानी कि किसको बिलोंग करेगा, एफ को बिलोंग करेगा, और ये जो जीरो वेक्टर है ये किसको बिलोंग करेगा, वी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी यहाँ पे ये मान लीजिए फील्ड का एलिमेंट है और इसकी किसी भी वेक्टर टर्म में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। सेकेंड कंडीशन है, एक बात और, मैंने इनके ऊपर वेक्टर का साइन लगाया है जिससे कि आपको इजीली पता चल पाए कि कौन सी जो टर्म्स है वो वेक्टर फॉर्म है और कौन सी टर्म्स डायरेक्टली आपकी फील्ड के एलिमेंट्स हैं। एग्जाम में आपको कुछ और तरीके से डिनोट कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए है, ए को थोड़ा लाइट लिख दिया और जो जीरो है उसको थोड़ा डार्क करके लिख दिया, जैसे कि आपको बुक्स में दिया हुआ होता है कि जो वेक्टर टर्म होती है उसको क्या दिया होता है, डार्क फॉर्म में दिया होता है, तो उसके उस कंडीशन में आप समझ जाएगा। बाकी अगर लेटर्स की बात करें तो अगर ए बी सी डी की फॉर्म में आपको टर्म्स दी हुई है तो वो किसके एलिमेंट्स होंगे, फील्ड के एलिमेंट्स होंगे। बट अगर अल्फा बीटा इस फॉर्म में आपको एलिमेंट दिए हैं तो वो किसको बिलोंग करेंगे, वेक्टर को, यानी कि V को बिलोंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि सेकंड प्रॉपर्टी है 0 × अल्फा, यानी कि 0 की मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे, अल्फा क्या किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पे वेक्टर को, V को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अगर 0 की मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर, यानी कि 0 वेक्टर हमें मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, अगर आप फील्ड का एलिमेंट है A इसकी वेक्टर 0 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी 0 वेक्टर मिलेगा, 0 के अल्फा में करोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, 0 वेक्टर मिलेगा। थर्ड है ए की मल्टीप्लाई आप माइनस अल्फा में करोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, टर्म्स आ जाएंगी ए इंटू अल्फा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फॉर ऑल, जहां पर सभी के लिए, ए किसको बिलोंग करेगा, एफ को बिलोंग करेगा, और अल्फा किसको बिलोंग करेगा, वी को बिलोंग करेगा, वेक्टर को बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी है माइनस ए इंटू अल्फा, सॉल्व करोगे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ए और अल्फा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर फॉर ऑल सभी के लिए ए फील्ड का एलिमेंट है यानी कि ए एफ को बिलोंग करेगा और अल्फा वी को बिलोंग करेगा। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो इस कंडीशन में ए की मल्टीप्लाई पहले अल्फा में होगी, तो यहाँ से क्या जाएगा ए अल्फा माइनस साइन, फिर ए की बीटा में करेगी तो ए बीटा, फॉर ऑल सभी के लिए ए तो किसको बिलोंग करेगा, एफ को बिलोंग करेगा, और ये जो अल्फा बीटा है ये किसको बिलोंग करेंगे, वी को बिलोंग करेंगे, ठीक है।
लास्ट है a इंटू अल्फा, यानी कि a की मल्टीप्लाई अल्फा में करोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, जीरो वेक्टर मिलेगा। क्यों मिलेगा जीरो वेक्टर, किस कंडीशन में मिलेगा, अगर यहाँ पर या तो a जीरो हो या फिर अल्फा जीरो हो, कंडीशन दी हुई है या तो a जीरो हो या अल्फा जीरो हो, अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन अप्लाई हो गई तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। जैसे कि ऊपर देखो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे थी, अगर हमने मान लिया a एज इट इज रहता है और अल्फा की वैल्यू क्या रख दी हमने, वेक्टर जीरो रख दी, तो उस कंडीशन में दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर, वही वैल्यू आ रही है। या फिर सेकंड कंडीशन, अगर हमने a की वैल्यू जीरो ले ली, अल्फा को एज इट इज ले लिया, तो अभी दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है जो कि आपको याद रखनी है। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सभी प्रॉपर्टीज जो है आपके एग्जाम में आई हुई है, पूछी गई है कई बार ऑब्जेक्टिव वालों के भी और सब्जेक्टिव वालों के लिए भी, इसलिए इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिख देना ऊपर, नोट करिए इसको। तो देखिए इनको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है a इंटू जीरो वेक्टर किसके इक्वल, जीरो वेक्टर के इक्वल, हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन करोगे आप, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे कि दोनों कंडीशंस कैसी हैं, सेटिस्फाई करती हैं। तो हम क्या लेंगे, टेकिंग a डॉट वेक्टर जीरो, इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। एक बात बताइए, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमारा जीरो वेक्टर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर जीरो प्लस वेक्टर जीरो लिख सकते हैं। इस फॉर्म में दोनों को ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, जीरो वेक्टर के इक्वल ही होगा, जीरो में जीरो को ऐड कर लो। तो यहाँ पे जो जीरो वेक्टर है उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर। अभी आपको जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई कर, हम उनके अकॉर्डिंग चले, तो हमें क्या करना था, पहले इसके फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई एंड देन सेकेंड एलिमेंट में। तो फर्स्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, ए जीरो प्लस ए जीरो वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, ये टर्म है ए जीरो वेक्टर। ठीक है, अब मुझे इतना बताइए, यहां से देखो अगर हम इस टर्म में जीरो वेक्टर ऐड कर दें तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसमें, नहीं कि जीरो को हम किसी भी टर्म में ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, इफेक्ट नहीं, सब्सट्रैक्ट से तो इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है भाई जीरो हो, जीरो में से हम माइनस कर रहे हैं कोई भी टर्म तो फिर वो निगेटिव फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन ऐड करते टाइम तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर हम इसमें ऐड कर दें, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है जीरो ए वेक्टर, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर जीरो प्लस ए वेक्टर जीरो, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके प्लेस हम क्या लिखेंगे, जीरो वेक्टर प्लस ए जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू, में टर्म चलिए ए जीरो वेक्टर प्लस ए जीरो वेक्टर। अब यहाँ पे देखो आप, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, यानी कि अगर हम इसमें राइट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दें तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, बाय, यहीं पे लिख देना चाहे तो, बाय राइट कैंसिलेशन लो वी गेट, अगर हम राइट कैंसिलेशन लो अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू ए जीरो वेक्टर, और यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स भी प्रूफ करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिएगा, सेकेंड और थर्ड पार्ट को भी सेम ऐसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलोगे, राइट हैंड साइड को प्रूफ करके दिखाना है। तो टेकिंग, या फिर आप लिखोगे वी हैव जीरो इंटू अल्फा, एक बात बताइए जीरो इंटू अल्फा है, इस बार हमें क्या करना है, जीरो वेक्टर ही शो करना है। तो अगर आपके पास में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाला जो भी हमने प्रूफ किया है उसमें क्या दिया हुआ था आपको, ए इंटू वेक्टर जीरो इस फॉर्म में दिया होता, तो हमने वेक्टर जीरो को क्या लिया था, जीरो वेक्टर जीरो प्लस वेक्टर जीरो। इस बार जो सिंपल जीरो है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो की फॉर्म में, इंटू में क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे जीरो अल्फा प्लस जीरो अल्फा आ जाएगा। सेम इधर की साइड जो टर्म लिखी हुई है जीरो अल्फा, इसमें हम जीरो अगर ऐड कर दे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, साइड में लिख भी देना कि जीरो किसके इक्वल लिखा हमने, जीरो प्लस जीरो के इक्वल लिखा है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसमें जीरो को ऐड कर दोगे, और कैसे जीरो को ऐड करोगे, वेक्टर जीरो को, क्योंकि ये जीरो अल्फा है और हमें पता है जीरो की मल्टीप्लाई अगर हम अल्फा में करते हैं तो हमें जीरो वेक्टर मिलता है,
पता है ये बात? तो एक बात बताइए, यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी जीरो में हम जीरो ऐड करते तो हमें क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। तो ये वेक्टर टर्म में इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, वेक्टर जीरो ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम वेक्टर जीरो ही क्यों ऐड करेंगे, दी हम सिंपल जीरो भी तो ऐड कर सकते हैं, तो ये आप कहां से देखोगे, सेकंड वाली टर्म से देखोगे। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इनकी मल्टीप्लाई करके हमें जीरो वेक्टर मिलता है, इसीलिए हम जैसे जीरो ऐड करेंगे वो कैसे जीरो ऐड करेंगे, वेक्टर जीरो ऐड करेंगे, ना कि स्केलर वाली। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे इसमें जो सेकंड वाली टर्म है यानी कि राइट वाली टर्म्स दोनों कैसी हैं, सेम है, तो फिर से क्या अप्लाई कर दोगे आप इसमें, राइट कैंसिलेशन लो, बाय राइट कैंसिलेशन लो वी गेट क्या मिलेगा हमें, जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो अल्फा, या फिर इम्प्लाइज दैट हम इसको लिख सकते हैं जीरो अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। और यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, प्रूफ करके दिखाना था। ठीक, इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी, क्या लोगे आप, कि अगर हम ए की मल्टीप्लाई करें किसमें, अल्फा प्लस माइनस अल्फा में, क्यों ले रहे हैं हम ये कंडीशन, कैसे पता चली, ए की मल्टीप्लाई अल्फा में करोगे ए अल्फा मिलेगा, ए की मल्टीप्लाई इस टर्म में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए माइनस अल्फा मिलेगा। ये टर्म दूसरी साइड जाएगी तो इस फॉर्म में ही क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बट हमें क्या करनी है, प्रॉपर वे में सॉल्व करके दिखानी है इसको, इस फॉर्म में कैसे लाना है। तो इसको सॉल्व करोगे आप, सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई अल्फा में करोगे, उसके बाद में प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई आप माइनस अल्फा में कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक बात? अब यहाँ से देखिएगा, आपको पता है अगर हम अल्फा में कोई टर्म क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये किसकी इक्वल होगी, वेक्टर जीरो की इक्वल होगी, प्लस माइनस माइनस, अल्फा माइनस अल्फा जीरो, और वो भी कैसा, अल्फा कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बी को बिलोंग कर रही है, तो जीरो भी कैसा आएगा, वेक्टर जीरो की फॉर्म में। तो यहाँ पे ए इंटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू में कितना आ गया, ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा। आप सभी को पता है अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूफ कराई है कि ए में अगर हम वेक्टर जीरो का प्रोडक्ट करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, जीरो वेक्टर के इक्वल आता है। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, जीरो वेक्टर ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा। क्लियर यहाँ तक? अब एक बात बताइए, इस टर्म में ये टर्म एड हो रही है और एड होने पर हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर जीरो। थर्ड सेमेस्टर में ग्रुप वाले चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी टर्म में हम कोई टर्म ऐड कर रहे हैं और ऐड करने पे हमारे पास में जीरो बन रहा है तो उस कंडीशन में सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म का एडिटिव इन्वर्स बोला जाता है। यानी कि ऐड करते टाइम अगर सेकंड क्वांटिटी फर्स्ट को कट कर दी है और हमारे पास में जीरो बन रहा है तो वो क्या कहलाता है, उसका एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे ए अल्फा में अगर हम ऐड कर रहे हैं इस टर्म को तो हमारे पास में वेक्टर जीरो मिल रहा है, तो ये टर्म इस टर्म की क्या कहलाएगी, एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे हेयर ए अल्फा, सॉरी ए माइनस अल्फा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अल्फा। सो नाउ ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट ए माइनस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के ए अल्फा के। और यही क्या करना था हमें, इसमें प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, इसी के साथ में वाली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होती है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, फोर्थ वाली सेम ऐसी होगी जैसे कि अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था। ठीक है, तो क्या करोगे आप इसमें, पहले हमने क्या लिया था, अल्फा को लेट किया था हमने अल्फा प्लस माइनस अल्फा की फॉर्म में, इस बार माइनस ए की वन है तो आप ए को लेट कर लोगे। ठीक है, तो क्या करोगे आप, लेट करोगे आप, माना ए इंटू ए को एक काम करना बाद में, यहाँ पे लिखना आप अल्फा, सॉरी ए प्लस माइनस ए इंटू अल्फा, इस फॉर्म में लिखना। अब ये टर्म हमें कहां से पता चली, यहाँ पे देखो ए के अल्फा में मल्टीप्लाई करोगे ए अल्फा आ जाएगा हमारे पास में, फिर माइनस के ए अल्फा के आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस साइन ये क्या आ जाएगा, माइनस के ए अल्फा की फॉर्म में आ जाएगा। इसको आप दूसरी साइड लेकर के जाओगे तो ये आपका कुछ इस टाइप से शो होगा, समझ में आई बात।
तो यहाँ से हमारे पास में सेम ये वैल्यू ऊपर आ रही है, इसको इसलिए हमने इस फॉर्म में लिया, ठीक है। इसको इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, ए की पहले अल्फा में मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस साइन, माइनस ए में फिर अल्फा की मल्टीप्लाई करोगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे देखो हमें पता है ए प्लस माइनस ए, यानी कि ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है, इसलिए माइनस करने पे जो जीरो आएगी वो भी कैसी होगी, नॉर्मल जीरो होगी। और इनटू में क्या है, वेक्टर अल्फा है, इज इक्वल्स टू में टर्म चल रही है ए अल्फा प्लस माइनस के ए अल्फा। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, जीरो अल्फा आ रहा है, जीरो अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस, हाँ ठीक है। अब एक बात बताइए, जीरो की मल्टीप्लाई अगर हम वेक्टर अल्फा में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर जीरो मिलता है। सेकेंड प्रॉपर्टी यही वाली हमने प्रूफ की थी, जीरो इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो इसके प्लेस पे हम जीरो वेक्टर पुट कर सकते हैं। तो जीरो वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ए अल्फा प्लस माइनस के ए अल्फा के इक्वल आ गया। अब फिर से वही वाली बात निकल करके आ रही है कि इसमें ये वैल्यू जोड़ने पे हमारे पास में जीरो वेक्टर आ रहा है, इट मींस ये टर्म इसकी एडिटिव इनवर्स कहलाएगी। तो आप क्या लिखोगे, हियर माइनस के ए अल्फा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अल्फा। सो नाउ ये वैल्यू दूसरी साइड जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के ए अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के ए अल्फा के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। इसी के साथ में ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। फिर नेक्स्ट आती है ए इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू ए अल्फा माइनस ए बीटा, जहां पर फोर होल सभी के लिए ए एफ को बिलोंग करता है और अल्फा बीटा वी के एलिमेंट है, यानी कि वी को बिलोंग करते हैं। तो इसको प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आप कौन से वाली साइड लेकर के चलिए, इसमें ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको ले लीजिए। वी हैव हमारे पास में वैल्यू क्या है, ए अल्फा माइनस बीटा, इसको सॉल्व करिए। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस बीटा की फॉर्म में, कोई इफेक्ट पड़ेगा। अब यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा प्लस ए माइनस बीटा, इस फॉर्म में आ जाएगी। हमें पता है कि ए माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस के ए बीटा के। कैसे पता चली हमें ये बात, यहाँ पे देखिए अभी हमने प्रूफ किया कि माइनस के ए अल्फा किसके इक्वल आया, माइनस के ए अल्फा के। तो सेम हमने यहाँ से ये वाली बात लिख दी। तो यहाँ पे देखिएगा ए अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के ए बीटा। और हमें प्रूफ क्या करना था कि ए अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, ए अल्फा माइनस ए बीटा के इक्वल प्रूफ है। अब दिमाग मत दौड़ा देना कि दी ये बात तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे, ए अल्फा माइनस ए बीटा। प्रूफ करने के लिए आपको प्रॉपर वे में सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी प्रूफ होती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ करने के पर्पज से, तो उसको रहने दीजिएगा। नेक्स्ट आती है इसमें वेक्टर सबस्पेसेस की डेफिनेशन, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा एग्जाम में, ये आपकी ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है और जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है उसमें भी आती है, डिफाइन वेक्टर स्पेसेस, ठीक है, सॉरी वेक्टर सबस्पेसेस। तो क्या होती है कि मान लिया लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, वी क्या है, कोई भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, किस पे, फील्ड एफ के ओवर, एंड डब्ल्यू इज द सबसेट ऑफ यू, डब्ल्यू क्या है, सबसेट है यू का। अब सबसेट की बात आई है तो सबसे पहले बात करते हैं सबसेट होता क्या है। मान लीजिए कोई भी एक हमने ले लिया पार्टिकल है यू, ठीक है, एक ले लिया यू, जो हमारा सेट डब्ल्यू है, सेट की डब्ल्यू के अंदर हमने मान लिया एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है, और जो यू है यू के अंदर हमने मान लिया सबसेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि W सबसेट है U का, W जो है वो U का सबसेट कब होगा, जब 1 2 3 4 ये सभी एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी सेट के अगर सभी एलिमेंट्स किसी भी अनदर सबसेट में, किसी भी अनदर सेट में हमें मिल जाए, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है, उसका सबसेट
सेट कहलाता है, यानी कि इसमें थोड़ा उल्टा हो गया। इसको आप थोड़ा इस फॉर्म में ले सकते हो कि 1 2 3 4 5। हाँ सही है, इसके सभी एलिमेंट्स किसमें मिल रहे हैं, हमें यू के अंदर मिल रहे हैं, तो डब्ल्यू क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, किसका, यू का। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी सेट के एलिमेंट हमें किसी भी दूसरे सेट में मिल रहे हैं, और सभी एलिमेंट मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक आधा एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, जिसको भी सबसेट बनाना उसके सभी एलिमेंट हमें किसमें मिलने चाहिए, दूसरे सेट में मिलने चाहिए, भले ही उसमें कुछ फालतू एलिमेंट क्यों ना एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, बट एटलीस्ट वो वाले होने ही चाहिए। तो अब कंडीशन में डब्ल्यू क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, किसका, यू का। Then the W is called as subspaces of V. उस कंडीशन में W को क्या कहेंगे, सबस्पेस कहेंगे V का। If यदि W itself is a vector space over F, यदि जो W है वो स्वयं भी क्या हो, vector space हो F के over, with respect to the operations of vector addition and scalar multiplication. और किन operations के अंदर, vector addition एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंदर, किसमें, V में, वेक्टर स्पेस में। ठीक है, तो ये क्या, तो यानी कि मान लिया V क्या है, कोई भी वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ओवर, जहां पर W सबसेट है U का, तो उस कंडीशन में W खुद भी क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा V का। यदि W अपने आप में क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर F, और किन ऑपरेशन के साथ में, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन, किसमें, V में। तो ये डेफिनेशन है किसकी, वेक्टर सब स्पेसिस की। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी की थ्योरम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी जो वीडियोस हो रही हैं वो आपकी अल्टरनेटिव वे में हो रही है, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती। वैसे तो मैंने एक वीडियो में आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे भी दी है कि क्लासेस रेगुलर 28 के बाद में होंगी मैथ्स की, और जो फिजिक्स है आपकी 5th सेमेस्टर की, उसकी क्लासेस बुक आने के बाद में आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।